19 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस ने यूक्रेन के कई खूबसूरत शहरों को तबाह कर दिया है। चारों ओर जमींदोज हुए मकान, बिछड़े परिवार और बिखरे आशियाने हैं। इस जंग में रूसी सैनिकों ने भी जंग में सम्मिलित ना होने की इच्छा जाहिर करते हुए कई वीडियोस बनाए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बीच लगातार दिल को तोड़ देने वाले वीडियो सामने आते हैं। इसी के साथ अब एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देख आप भी अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। जी हाँ, ये वीडियो है एक यूक्रेनी जवान और उसके नन्हे से मासूम बेटे का, जिसे ये तक नहीं मालूम कि आखिर जंग होती क्या है। उसे तो महज इतना पता है कि उसे अपने पिता से दूर जाना होगा। इस वीडियो में मौजूद सैनिक अपने परिवार को जंग के तनाव के बीच सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए यूक्रेन से बाहर भेज रहा है। दिल में दर्द पर चेहरे पर तनाव की एक लकीर नहीं, ताकि उसका परिवार इस मुश्किल की घड़ी में कमजोर न पड़ जाए। पर मासूम बच्चे को तो बस पिता के साथ रहने की ही पड़ी हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नन्हा बच्चा अपने पिता को अपने नाजुक हाथों से घूंसे मार रहा है। कभी उसके कंधे पर मारता है, तो कभी उसके हेलमेट पर, और कभी दुखी मन से प्यार के साथ पिता को गले लगा लेता है। इस वीडियो से हम उन सभी परिवारों के दर्द का अंदाजा लगा सकते हैं, जो हर रोज अपनों से बिछड़ जाने के गम और देश की तबाही के मंजर से गुजर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।